राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पत्र पर पहली झलक। निमंत्रण पत्र के बॉक्स में है पांच चीजें। नमस्कार, मैं श्वेता आपका द खबरदार न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देश भर से विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित कर रहा है। इसके लिए विशेष प्रकार का निमंत्रण पत्र भी तैयार किया गया है। ये निमंत्रण पत्र देश के 6000 से ज्यादा विशिष्ट अतिथियों को भेजा गया है। इसमें 4000 संत और 2200 अन्य मेहमान हैं। साथ ही 6 दर्शनी, प्राचीन विद्यालयों के शंकराचार्य और लगभग 150 साधु संत भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेंगे। वो उस ओरिजिनल निमंत्रण पत्र की पहली झलक दिखा रहा है। कार्ड के कवर पर प्रभु राम के बाल स्वरूप की तस्वीर है और अंत में श्री राम की यात्रा का सारांश दिया गया है। निमंत्रण पत्र को बेहद पेशेवर तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें धार्मिक अनुष्ठानों का ब्यौरा तो है ही, हर अतिथि का QR कोड भी तय है। आने के समय गाड़ी के लिए तय पार्किंग की जगह और प्राण प्रतिष्ठा की अवधि शामिल है। इसके कवर पर लिखा है, अनादिक निमंत्रण श्री राम धाम अयोध्या। इस निमंत्रण पत्र के बॉक्स में 5 चीजें भेंट स्वरूप रखी गई हैं। पहली भेंट, अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तस्वीर वाला कार्ड जिस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो छपा हुआ है। दूसरी भेंट, एक छोटे से लिफाफे में रखा पीला अक्षत। तीसरी भेंट, कार्यक्रम वाले दिन के लिए वाहन पास जिस पर वाहन नंबर लिखने की जगह है। साथ ही गूगल मैप का QR कोड भी है जिससे अतिथि आसानी से पार्किंग एरिया तक पहुँच सकते हैं। चौथी भेंट, संकल्प संपोषण पुस्तिका। इसमें साल 1528 से लेकर 1984 तक राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े 20 लोगों का संक्षिप्त विवरण है। इसमें सबसे पहले देवराहा बाबा और सबसे अंत में अशोक सिंघल का जिक्र है। इसमें PM नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, UP की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, CM योगी आदित्यनाथ और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के नाम है। निमंत्रण पत्र में कार्यक्रम का समय के साथ साथ विवरण है। अतिथियों के आने का समय सुबह 11:30 बजे से रखा गया है। 11:30 बजे से 12:30 बजे तक गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होगी। 12:30 बजे से अतिथियों का भाषण होगा, फिर मंदिर में दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। इस कार्ड में मेहमानों के लिए कुछ निर्देश और निवेदकों के नामों का भी जिक्र है। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की कौन सी मूर्ति विराजमान होगी, अभी तक यह फैसला नहीं हो सका है। मंदिर के ट्रस्टी का कहना है कि मूर्तिकारों के बीच किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन न करवा कर तीनों ही मूर्तियों को भव्य राम मंदिर में लगवाया जाएगा। हालांकि गर्भगृह में कौन सी मूर्ति लगेगी, इसका अंतिम निर्णय काशी के आचार्य गणेश्वर शास्त्री लेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास।
तो आप देख रहे थे रेवाड़ी से संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की है खास पेशकश। ऐसी ही किसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ वॉइस।